हेलो टू एवरीवन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे कुछ फ्रूट दिख रहे हैं, तो ये जो फ्रूट है ये बेर का फ्रूट है। ये ज़्यादातर एरिड जोन या सेमी एरिड जोन क्लाइमेट में पाए जाते हैं, जो उधर के रीजन होते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, इससे इसकी स्टडी इसका कल्टिवेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है इसके लिए, वैरायटी क्या है। तो इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो इसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रूट साइंस है, या कोई भी एग्ज़ाम जो एग्रीकल्चर जिसमें क्वेश्चन आता है, तो फ्रूट साइंस के क्वेश्चन जो भी हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं। सो द बोटैनिकल नेम इज बोटैनिकल नेम ऑफ बेर इज जिजिफस मॉरिंटियाना। द फैमिली ऑफ बेर इज रहमनेशी। जो फैमिलीज की होती है वो रहमनेशी होती है। क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो इसका जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो तो 48 होता है। बेसिकली जो वेर की वैरायटी होती हैं वो ट्रिप्लाइड होती हैं, तो जो ट्रिप्लाइड वैरायटी होती है उनका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, 48। कॉमन नेम क्या होता है अगर ओरिजिन की बात करें, तो इसकी जो ओरिजिन है वो है इंडो चाइना रीजन। इंडिया का जो इंडो चाइना रीजन होता है, ये बेर का ओरिजिन सेंटर होता है। अदर नेम या कॉमन नेम की बात करें तो इसको बेर को पुअर्स मैन फ्रूट भी बोलते हैं, गरीबों का फल बोला जाता है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट, जो एरिड जोन के फ्रूट होते हैं उसमें बेर किंग होता है, तो ये भी इसका कॉमन नेम है। चाइनीज़ फिक भी इसको बोलते हैं, चाइनीज़ डेट भी बोला जाता है, एंड पुअर्स मैन एप्पल, गरीबों का सेब भी बोला जाता है। इसका टेस्ट जो होता है कुछ सिमिलर होता है एप्पल से, इसकी अपीयरेंस भी होती है कुछ एप्पल से मिलती है, इसलिए इसको गरीबों का सेब भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन पे, कंपोजिशन एंड यूजेस पे। तो बेर आर द रिच इन विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो जो विटामिन सी इसमें सबसे ज़्यादा होता है, विटामिन ए 70 to 100 IU इंटरनेशनल यूनिट, एंड बी कॉम्प्लेक्स इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विटामिन सी कंटेंट ऑफ फ्रूट इज़ 50 to 150 mg पर 100 ग्राम ऑफ फ्रूट, एंड शुगर कंटेंट जो होता है वो 12 to 18.7% होता है। तो विटामिन सी कंटेंट का आपको दिया ही हुआ है। विटामिन सी इसमें जो होती है वो 50 to 150 mg होती है, और शुगर कंटेंट जो होता है वो होता है 12 to 18.7% इसमें पाया जाता है। बेर लीव्स जो होती हैं उनमें 5.6% डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन पाया जाता है, 5.6% डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, एंड 49.7% टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट होते हैं। हेंस इट इज़ कंसिडर एज ए गुड फॉडर फॉर एनिमल। तो चूँकि प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा होता है और डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम जो जानवर होते हैं उनके उनके अनाज के रूप में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं बेर को। बे ट्री जिजिफस जाइलोपायरस इज ऑल्सो यूज फॉर रेयरिंग द इंसेक्ट टेकार्डिया लाइका विच ईट्स लाइक फॉर द सेलैक। तो पूछा भी जाता है कि बेर की कौन सी स्पीसीज होती है जो कि लैग रेयरिंग के लिए या फिर जो रेशम कीट पालन होते हैं उनके लिए करी जाती हैं, तो वो है आपकी जाइलोपायरस। जो जाइलोपायरस वाइल्ड स्पीसीज होती है, तो इसको हम यूज़ करते हैं लैग रेयरिंग के लिए। इंसेक्ट कौन सा इस पर हम ग्रो करते हैं, वो है टेकार्डिया लैगा। नेक्स्ट आपका है जिजिफस न्यूमिलेरिया। न्यूमिलेरिया फ्रूट्स आर द ड्राइड एंड पाउडर्ड विच पाउडर्ड विथ स्पाइसेस इन वेस्टर्न इंडिया टू प्रिपेयर ए प्रोडक्ट कॉल्ड द चूरन। तो जो जिजिफस न्यूमिलेरिया होता है, इसका एक ड्राइड पाउडर प्रिपेयर किया जाता है, जो कि चूरन, जो पाउडर ड्राइड फॉर्म हो जाएगा तो उसको चूरन ही बोला जाता है वेस्टर्न इंडिया में। जिजिफस न्यूमिलेरिया जो होता है इज ऑल्सो यूज एज ए डॉर्फिंग रूट स्टॉक। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बेर फ्रूट्स है हायर कैलोरिफिक वैल्यू। जो बेर होती है इसकी कैलोरिफिक वैल्यू सबसे हाई होती है। बेर कल्टीवेशन इज़ वेरी मच इंटीमेटली कनेक्टेड विथ फोक लोअर पीपल ऑफ पंजाब। तो जो बेर का कल्टीवेशन होता है, जो पंजाब के पीपल होते हैं, यहाँ पे जो इनका लोक साहित्य होता है या जो लोक कल्चर होता है इनका, उसमें बेर कल्टीवेशन बहुत ही इंटीमेटली बहुत ही कनेक्टेड है। जीनस जिजिफस हैविंग द मोर देन 600 स्पीसीज। इनकी जो जीनस जो होती है जिजिफस, इसकी जो स्पीसीज होती हैं वो 600 अप्रॉक्स होती हैं। एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें तो जो MP है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। तो अभी अगर मध्य प्रदेश की बात करें कि यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो अभी रिसेंट में जो मध्य प्रदेश का प्रोडक्शन है वो कुछ 121.76 टन जो है
वो एमपी से ही आया है प्रोडक्शन। पूरे इंडिया का जो है 121.76 टन जो है एमपी से आया है। अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया का जितना भी बेर का प्रोडक्शन है उसका 21.37% जो शेयर किया है वो एमपी ने शेयर किया है। क्लाइमेट एंड सॉयल की बात करें तो जो बेर होता है ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट होता है। हाई सॉल्ट टॉलरेंट, इसकी जो सॉल्ट टॉलरेंट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ पे सॉल्ट अफेक्टेड सॉयल है वहाँ पे बेर ग्रो किया जा सकता है। बेर इज एक्सट्रीमली ड्रॉट हार्डी, ड्रॉट भी ये टॉलरेट कर लेता है। इट कैन सर्वाइव अप टू पीएच 9.2, अगर 9.2 पीएच स्केल है तो वहाँ पे भी बेर अच्छे से ग्रो कर सकता है। इसका जो रूट सिस्टम होता है वो डीप टैप रूट सिस्टम होता है। बेर कैन विदस्टैंड एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन बट इज ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट। ये क्या होता है कि अगर हॉट कंडीशन है तो वहाँ तो ये सर्वाइव कर लेगा, लेकिन अगर फ्रॉस्ट एरिया है तो वहाँ ये सर्वाइव नहीं कर पाता, ससेप्टेबल होता है फ्रॉस्ट के लिए, उसको दिक्कत आती है। तो ये हो गया। बॉटनी की अगर बात करें तो बॉटनी में इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो फैसिकल साइमोस टाइप होता है। फ्रूट टाइप की बात करें तो ड्रप स्टोन टाइप जो ड्रप होता है, जैसे मैंगो होता है तो वैसे ड्रप टाइप का फ्रूट होता है। अगर एडिबल पार्ट की बात करें तो जो इसका पेरिकार्प होता है वो एडिबल होता है इसमें। इट इज़ अ नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, मतलब क्लाइमेट में नहीं पकता है। अगर ये इसका जो राइपनिंग होती है ट्री पे ही होती है, इट इज़ नॉन राइपनिंग फ्रूट, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। अगर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की बात करी जाए तो इसमें गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है। सिग्माइड ग्रोथ की बात करें तो इसमें डबल सिग्माइड ग्रोथ कर पाया जाता है। पॉलिनेशन, जो इसका पॉलिनेशन पैटर्न होता है वो एंटमोफिलस होता है, मतलब इसमें जो हनी वीज होते हैं उनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। फ्रूट बट जो होता है वो मिक्स्ड होता है, फ्रूट बट मिक्स, मतलब मिक्स है तो आपका क्या होगा, जो वेजिटेटिव बड है और रिप्रोडक्टिव बड है वो दोनों एक साथ ग्रो करते हैं। टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन की बात करें तो वो बेशल होता है इसमें। बेर बिलोंग टू अदर रहमनीज, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द हैविंग द स्टेमन्स अपोजिट टू द पेटल्स। इनके जो स्टेमन्स होते हैं पेटल्स के अपोजिट होते हैं। इट इज़ ए समर डेसीडुअस फ्रूट क्रॉप होता है, ये समर डेसीडुअस। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड फाउंड लाइक एल्बुमिनस, इनका जो सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप होता है। जीरो फिटिक नेचर के होते हैं ये, अगर कम पानी भी इनको मिलता है तो ये अच्छे से सर्वाइव कर ले जाते हैं। जेजिफस मॉरेंटियाना जो होती है वो आपकी टेट्राप्लाइड स्पीसीज होती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्रोमोसोम नंबर इसका 42 होता है। जेजिफस सटाइवा एंड जेजिफस लोटस डिप्लाइड स्पीसीज होती है, पहले भी मैंने बताया ये सटाइवा एंड लोटस डिप्लाइड होती है। इसके अलावा जेजिफस सटाइवस, जेजिफस स्पाइनोसस, जेजिफस जुजबा वैरायटी लॉन्जीफॉर्मिस ये, और जेजिफस जुजबा, हाँ तो ये आपकी इतनी वैरायटी डिप्लाइड होती हैं। और जो डिप्लाइड स्पीसीज वो कौन सी होती है, जेजिफस जुजबा वैरायटी जो आपकी होती है जनहू एंगुला वैरायटी, वो डिप्लाइड होती है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बेर में फ्लावर्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होता है, बेसिकली मेल एंड हर्माफ्रोडाइट दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं इसमें। ब्रांचिंग पैटर्न की बात करें तो सिलेप्टिक ब्रांचिंग पैटर्न होती है। सिलेप्टिक ब्रांचिंग पैटर्न क्या होती है कि जो इसमें जो लेटरल बड्स होती हैं उसमें से जो बड्स निकलते हैं तो वो डोमेंसी में नहीं जाते हैं, मतलब वो सेम सीजन में ही ग्रो हो जाते हैं, डोमेंसी में नहीं जाते हैं, तो ये होता है आपका सिलेप्टिक। इनका जो फ्लावरिंग हैबिट होता है वो पेलियो एंथिक टाइप का होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है सिलेप्टिक ब्रांचिंग पैटर्न का और ये पेलियोएंथिक फ्लावरिंग पैटर्न का कि किस क्रॉप में पाई जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। फ्रूट टेम्परेचर की बात करें तो 25 to 32 डिग्री जो होता है टेम्परेचर रेंज इज कंसीडर्ड एज ए कॉन्जीनियल फॉर द फ्रूट सेट। तो फ्रूट सेट के लिए 25 to 32 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। फ्लावर कलर जो होता है ग्रीनिश टू येलो कलर का होता है, जो फ्लावर कलर होता है जो फ्लावर है जिस कलर का पेटल्स जितना डार्क होता है उसमें पॉलिनेशन परसेंटेज उतनी ही ज़्यादा होती हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पेटल्स कलर। नेक्स्ट फ्रूट ऑन द ऑक्सिलरी और करंट सीजन ग्रोथ, तो जो इसमें करंट ग्रोथ पैटर्न होती है वो करंट सीजन पे होती है। फ्लावरिंग टाइम की बात करें तो अगस्त टू सेप्टेम्बर टू अक्टूबर,
तो जो उसमें फ्लावरिंग होता है वो अगस्त से स्टार्ट होती है, अगस्त टू अक्टूबर चलती रहती है फ्लावरिंग। फ्रूट सेट जो उसमें होता है वो 3 to 15% पाया जाता है, 3 to 15%। प्रोपेगेशन, अगर बेर की प्रोपेगेशन की बात करें तो उसमें जो प्रोपेगेशन मेथड होता है वो रिंग या टी बडिंग यूज़ होता है, रिंग या फिर टी बडिंग। इंसेक्ट जो होते हैं इसमें हनी वीज, हाउस फ्लाई या मेजर पॉलिनेटर, जो भी हनी वीज और हाउस फ्लाइज होते हैं वो पॉलिनेटर एजेंट के रूप में यूज़ होते हैं। तो पॉलीट्यूब जो बडिंग होती है वो लो रेनफॉल ड्राईलैंड्स एरियाज़ के लिए बेस्ट होती है पॉलीट्यूब बडिंग टेक्निक। बेस्ट टाइम फॉर द बडिंग जो होता है वो जुलाई टू अगस्त होता है, जुलाई टू अगस्त जो इनका बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग होता है। हाईली सुटेबल फॉर एसिड कंडीशन इन सिटू बडिंग जुलाई टू सेप्टेम्बर, अगर एसिडिक कंडीशन है, एसिड कंडीशन है तो वहाँ पर इन सिटू बडिंग आप प्रेफर कर सकते हैं। प्लांटिंग मेथड की बात करें तो प्लांटिंग मेथड इसका स्पेसिंग जो होता है 8 x 8 meter होता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जो इनकी स्पेसिंग होती है वो 5 x 5 meter square हो जाती है। बेस्ट प्लांटिंग मेथड की बात करें तो बिगनिंग ऑफ द मानसून, मानसून शुरू होने से पहले प्लांटिंग जो सीजन होता है वो बेस्ट होता है। बेस्ट टाइम फॉर द प्लांटिंग जुलाई टू सेप्टेम्बर, सेम मानसून जो होता है जुलाई टू सेप्टेम्बर होता है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट की अगर बात कर ली जाए तो पॉलन स्टेबिलिटी इज़ मेजर प्रॉब्लम इन बेर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि पॉलन स्टेबिलिटी किसमें सबसे मेजर होती है, तो बेर में सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है। इनकम्पेबिलिटी एंड पॉलीप्लाइडी आर टू सीरियस हिंडरनेंस ऑफ बेर इंप्रूवमेंट। तो एक तो इनकी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी प्रॉब्लम होती है पॉलीप्लाइडी, तो ये जो है क्रॉप इंप्रूवमेंट का दो मेन मोटो हो सकता है। पॉलन स्टेबिलिटी होता क्या है कि इनएबिलिटी ऑफ पॉलन टू वर्क प्रॉपरली। पॉलन स्टेबिलिटी क्या होता है, जो पॉलन होते हैं वो वर्क नहीं अच्छे से कर पाते, उनकी एबिलिटी इनएबिलिटी जो होती है वो पॉलन स्टेबिलिटी बोली जाती है। जिजिफस रोटेंडी फोलिया जो आपका होता है बेस्ट रूट स्टॉक डीप रूटेड, रोटेंडी फोलिया जो होता है बेस्ट रूट स्टॉक होता है, सो इट इज़ डीप रूटेड। चाइनीज बेर जो आपका होता है जिजिफस जुजुपी कैन एरे ऑफ फॉर्म्स रेंजिंग डिप्लाइड टू ऑक्टोप्लाइड बट नॉट द डिप्लाइड, जो चाइनीज बेर होता है वो डिप्लाइड टू ऑक्टोप्लाइड सारे पॉलीप्लाइडी लेबल होते हैं, बस इसमें ट्रिप्लाइडी नहीं पाई जाती है। जिजिफस न्यूमेरेरिया की अगर बात करी जाए तो इट इज़ अ ड्वार्फिंग रूट स्टॉक फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग, एसडीपी में न्यूमेरेरिया यूज़ होता है। इट गिव्स द इन्वर्टेड बॉटल नेक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है बॉटल नेक डिसऑर्डर जो होता है वो आपका लग जाता है। हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड की बात करी जाए तो जो इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वो अक्टूबर टू नवंबर होता है साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में क्या होता है फरवरी टू अप्रैल, अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में फरवरी से जो बेर है वो आना शुरू हो जाते हैं, तो फरवरी टू अप्रैल नॉर्थ इंडिया में एंड अक्टूबर टू नवंबर साउथ इंडिया में। ईल्ड की बात करी जाए तो ईल्ड जो इसका होता है 80 to 200 kg पर हेक्टेयर फ्रूट इसका मिलता है। मैच्योरिटी जो होती है उसकी 150 to 175 days आफ्टर द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के 150 से 175 दिन बाद इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। सेल्फ लाइफ ऑफ बेर कैन बी इंक्रीज बाय द स्प्रेइंग ऑफ 1% कैल्शियम नाइट्रेट इन प्री हार्वेस्ट स्टेज, अगर हम हार्वेस्ट करने से पहले 1% कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर देते हैं तो प्री ये जो है सेल्फ लाइफ इसकी इंक्रीज हो जाती है। प्री हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ 750 ppm एथेफॉन एट द कलर टर्निंग स्टेज इंड्यूस द अर्ली मेच्योरिटी, अगर जब कलर टर्निंग स्टेज हो तो उस टाइम अगर 750 ppm एथेफॉन का स्प्रे कर देने से क्या होता है अर्ली मेच्योरिटी इंक्रीज हो जाती है, इनकी जो मेच्योरिटी होती है वो अर्ली हो जाती है। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो स्टोरेज इनका 3 degree टेम्परेचर पे होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनका 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग बेर में क्या होता है, ट्रेनिंग जो होता है वो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम यूज़ होता है इसमें। आइडियल ट्रेनिंग जो होती है वो मार्च में करी जाती है, मार्च में ट्रेनिंग कर देनी चाहिए। हैवी एंड एनुअल प्रूनिंग नेसेसरी, बेर में प्रूनिंग ज़्यादा की जाती है, हैवी एंड एनुअल प्रूनिंग करी जाती है। स्प्रेइंग ऑफ 3% थायो यूरिया और पोटेशियम नाइट्रेट वंस इन अ 2 days बिफोर द प्रूनिंग इंड्यूस द स्प्राउटिंग फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्यूल्स। तो अगर हम क्या करते हैं कि प्रूनिंग करते हैं, अगर प्रूनिंग के 2 दिन पहले, अगर 2 दिन पहले हम 3% थायो यूरिया या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का हम स्प्रे कर देते हैं तो होता क्या है कि स्प्राउटिंग जब होती है तो जो नोड्स होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो दिस इज अ केमिकल। प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग इंड में
इन द मे टू मिड जून करी जाती है, मई से लेकर जून तक इनकी प्रूनिंग करी जाती है। इन साउथ इंडिया प्रूनिंग शुड बी डन इन फरवरी टू मार्च। साउथ इंडिया में अगर प्रूनिंग की बात करें तो फरवरी टू मार्च में की जाती है। प्रूनिंग इज डन ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई सीजन बिटवीन अप्रैल टू मे एंड। तो जब मौसम थोड़ा गर्म होता है या ड्राई सीजन होता है तो उस टाइम इनकी प्रूनिंग करी जाती है। वैरायटी की बात करें तो वैरायटी इनमें है एक्सट्रीमली, अगर कुछ एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज़ की बात करें तो उनमें जो अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है वो है आपकी गोला। जो गोला वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है ड्राई एरियाज के लिए, सेब वैरायटी है एंड मुंडिया वैरायटी, सॉरी गोला, गोला सेब और मुंडिया वैरायटी जो होती है वो एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज के लिए होती है। गोला वैरायटी की अगर बात करी जाए तो जो गोला वैरायटी आपकी होती है ये रेनफेड कंडीशन के लिए ज़्यादा बेस्ट होती है, रेनफेड कंडीशन के लिए वेरी डिलीशियस होती है, टेस्ट में काफ़ी अच्छी होती है। सेकेंड वैरायटी सेब है। सेब जो होता है इसका अपीयरेंस जो होता है वो सेब के जैसा ही होता है, जैसा एप्पल होता है, तो इसीलिए इसको एप्पल वैरायटी भी कहते हैं और सेब इसका नाम होता है। इसकी जो ग्रोथ हैबिट होती है ट्री की वो अपराइट ग्रोथ होती है। सेब की जो सेब वैरायटी जो है इसकी अपराइट ट्री जो उनका बिल्कुल सीधा ही अपराइट होता है। नेक्स्ट है आपका ड्राई एरियाज़ के लिए। ड्राई एरियाज़ के लिए लेट मेच्योरिंग वैरायटी जो है, जैसे फर्स्ट है उमरान, सेकेंड है इलायची, थर्ड है कैथली एंड फोर्थ इज महारवाली। तो जो उमरान की वैरायटी बात करें तो उमरान जो होती है ससेप्टेबल होती है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, पाउडरी मिल्ड्यू ससेप्टेबल वैरायटी है उमरान। देन दूसरा क्या होता है कि टेबल पर्पज़ के लिए और ड्राई कैंडी वगैरह बनाना है, सन ड्राइंग करना है, तो दोनों के लिए ये सुटेबल वैरायटी है उमरान कल्टीवर। बेसिकली इट इज़ ए टेट्राप्लॉइड वैरायटी। इलायची की अगर बात करें, इलायची वैरायटी इट्स ऑल्सो लेट वैरायटी। इलायची वैरायटी जो होती है ये ऑलमोस्ट सीडलेस होती है, इसकी एरोमेटिक जो इट हैज़ वेरी स्पेशल टाइप फ्लेवर। सो ये क्या होता है किचन गार्डनिंग में भी यूज होता है, लेट कल्टीवर तो आपका है ही है इलायची। नेक्स्ट आपका है कैथली। कैथली वैरायटी जो है ये हरियाणा ओरिजिन की, हरियाणा में ज़्यादा कल्टीवर इसकी होती है, हाई यील्डिंग होती है, इट ऑल्सो ससेप्टेबल टू पाउडरी मिल्ड्यू। नेक्स्ट है महारवाली। ह्यूमिड एरियाज़ की बात करें तो मेहरून जो वैरायटी होती है, मेहरून ह्यूमिड रीजन में ग्रो होती है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमिड रीजन का मेहरून हो गया। मिड मेच्योरिंग वैरायटी की बात करें तो रश्मि जो है, रश्मि मिड सीजन वैरायटी है, मुंडिया बनारसी, तो ये तीन वैरायटी है रश्मि मुंडिया बनारसी जो आता है RMB, तीन वैरायटी आपकी क्या है मिड सीजन वैरायटी है। इलायची जो है, इलायची की बात करें, इलायची तो मैंने आपको बता रखा है इट इज़ ऑक्टाप्लाइड वैरायटी इलायची होती है, मतलब इसका क्रोमोजोम नंबर जो होता है वो 96 होता है। लेट मेच्योरिंग वैरायटी है, ग्रोन इन ड्राई एरियाज, 90% पॉलन स्टेटिस में पाई जाती है इलायची में। उमरान की बात करें तो उमरान जो आपकी ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ राजस्थान, ऑटो टेट्राप्लाइड प्रोसेस एंड यूज एज अ छुहारा। जो उमरान वैरायटी है वो छुहारा के लिए यूज होता है, ऑल्सो दोनों टेबल पर्पज और ड्राई, अगर आपको कैंडी बनाना है या सन ड्राइंग करनी है दोनों के लिए उमरान वैरायटी गुड है। नेक्स्ट वैरायटी इज गोमा कीर्ति। गोमा कीर्ति इसका कॉमन नेम गणेश कीर्ति भी है, दोनों ऑल्सो कॉल्ड अर्ली उमरान, इसको अर्ली उमरान भी बोलते हैं। सेलेक्शन फ्रॉम उमरान, इट इज सेलेक्टेड वैरायटी फ्रॉम द उमरान कल्टीवर। खट्टा टिकरी सनौर नंबर वन मेहरून, खट्टा टिकरी सनौर नंबर वन मेहरून दोधिया आर रेजिस्टेंट टू फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई की जो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो उनकी रेजिस्टेंट वैरायटी आपकी है, चार पाँच वैरायटियाँ दी हुई हैं, खट्टा टिकरी सनौर नंबर वन मेहरून एंड दोधिया वैरायटी। नेक्स्ट इज गोला सेब सनौर नंबर टू इलायची सफ़ेद रोहतक एंड मेहरून आर रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। तो अगर पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट की वैरायटी बात करें तो गोला सेब सनौर नंबर टू इलायची सफ़ेद रोहतक एंड मेहरून। नेक्स्ट गोला वैरायटी की बात करें तो टॉलरेंट टू अगेंस्ट द सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ऑटो ऑक्टोप्लाइड। तो जो गोला वैरायटी होती है ये एज अ रूट स्टॉक भी यूज होती हैं, सो दिस वैरायटी हैज़ अगेंस्ट सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी करेक्टर्स, इट इज़ ऑटो ऑक्टाप्लाइड 96। जोगिया वैरायटी इन बनारसी कराका वैरायटी भी इसी के है बेर की। उमरान इलायची एंड सफ़ेदा सेल्फ इनकम्पेटेबल वैरायटी है, तो अगर सेल्फ इनकम्पेटेबल की बात करी जाए तो दैट इज़ उमरान इलायची एंड सफ़ेदा। पेस्ट एंड मैनेजमेंट की बात करी जाए अगर तो बेर में जो सबसे मेजर पेस्ट है वो है फ्रूट फ्लाई कार्मोपिया वेसुवियाना। सो फ्रूट फ्लाई कॉजेज डैमेज अप टू 80% इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में फ्रूट फ्लाई का ज़्यादा
प्रकोप देखा जाता है। रेजिस्टेंट वैरायटी अगर फ्रूट फ्लाई की बात करें तो महरून, कैथा एंड टिकरी एंड दोधिया वैरायटी, तो ये फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट वैरायटी होती हैं। फ्रूट बोरर, सेकेंड जो सबसे बड़ा पेस्ट होता है इंसेक्ट वो फ्रूट बोरर है। मेरी डॉर्किस साइक्रोडिस, तो ये जो होता है आपका फ्रूट बोरर होता है। मेजर इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में फ्रूट बोरर लगता है, नॉर्थ इंडिया में फ्रूट फ्लाई लगता है। इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी जो है वो है गोला, कड़ाका एंड पिवांडी। तो तीन वैरायटी है जो आपकी हैं, गोला, कड़ाका एंड पिवांडी वैरायटी क्या होती हैं, फ्रूट बोरर रेजिस्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है बार्क ईटिंग कैटरपिलर। बार्क ईटिंग कैटरपिलर जो होता है इंड्रेला क्वाडी नोटाटा, तो ये क्या होता है, बार्क ईटिंग कैटरपिलर होता है। नेक्स्ट है आपको कुछ डिजीज़ दी हुई हैं जो कि बेर में लगती हैं। फर्स्ट है पाउडर मिल्ड्यू कॉज्ड बाय द फंगस ओडियम जुजवी वैरायटी इंडिका। नेक्स्ट जो है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, इट इज़ अल्टरनेरिया एनोमार्फ, जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है अल्टरनेरिया एनोमार्फ, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। थर्ड इज़ ब्लैक लीफ स्पॉट, तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है आपका एसायरियोप्सिस इंडिका वैरायटी जिफी वैरायटी जो होती है इसकी, ये होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म। अगर इंपॉर्टेंट थिंग हम देख लेते हैं कि बेर में क्या क्या है, तो डोमेंसी जो होती है वो समर सीजन में होती है इनमें। इरीगेशन ड्यूरिंग अक्टूबर कॉजेज द फ्लावरिंग सेटिंग, अगर हम अक्टूबर में इरीगेशन करते हैं तो फ्लावरिंग सेटिंग हो सकती है, और अगर मार्च टू अप्रैल करते हैं तो फ्रूट स्पॉयलर्स एंड डिले राइपनिंग, जो राइपनिंग है वो डिले होगा, फ्रूट भी जो होते हैं स्पॉयलर्स कर जाते हैं। तो हमें इरीगेशन अक्टूबर में और मार्च टू अप्रैल में अवॉइड करनी चाहिए। थार सेविका जो वैरायटी इसकी होती है, थार सेविका वो क्रॉस होती है सेब इंटू कैथा, इसका जो TSS होता है TSS इसका 22% होता है, एंड रिलीज फ्रॉम CIAS बीकानेर, फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट होता है ये। तो ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है, थार सेविका सेब इंटू कैथा TSS फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच वैरायटी फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट, दैट इज थार सेविका सेब इंटू कैथा। नेक्स्ट वैरायटी थार भुवराज है, थार भुवराज जो है वो सिलेक्शन है फ्रॉम द भुसावार एरिया ऑफ द भरतपुर, तो ये भरतपुर से जो भरतपुर का एरिया वहाँ से ये लिया गया है, सिलेक्शन वैरायटी है भुवराज। नेक्स्ट वैरायटी है गोमा कीर्ति क्लोनर सिलेक्शन फ्रॉम द उमरान, हाई यील्डिंग वैरायटी है ये गोमा कीर्ति, और कहाँ से सेलेक्ट हुई है, उमरान से, इसको गणेश कीर्ति भी बोली जाती है। नेक्स्ट है इंडेक्स टिश्यू फॉर द न्यूट्रिएंट एनालिसिस, जो अगर जहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट के एनालिसिस करना है तो वो हम करेंगे 5 to 6 मैच्योर लीफ जो स्टेज होती है वहाँ से कलेक्ट करेंगे एट फ्लावरिंग स्टेज ड्यूरिंग सेप्टेम्बर एंड मिड ऑफ नवंबर फ्रॉम द सेकेंडरी सूट, जो सेकेंडरी सूट होते हैं वहाँ से सेलेक्ट करते हैं 5 to 6 मैच्योर लीफ जो होती है न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए। गोला इज सेट टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट बार्क ईटिंग कैटरपिलर, जो बार्क ईटिंग कैटरपिलर जो लग जाता है तो उसके लिए गोला वैरायटी जो है रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कट्टा पॉल जो वैरायटी होती है वो एप्पल वैरायटी होती है, क्योंकि क्या होती है फ्रूट रिजेंबल इन शेप एंड कलर विथ एप्पल, इनका जो फ्रूट होता है वो एप्पल के जैसा होता है, कट्टा पॉल वैरायटी। नेक्स्ट जो है लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बेर जर्मप्लाज्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान, तो यहाँ पे 7 स्पीसीज एंड 162 वैरायटीज का कलेक्शन किया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं जो कि मे बी एग्जाम में पूछी जाए। तो आपकी फर्स्ट वैरायटी है वो है चंचल जो कि हरियाणा की वैरायटी है। नेक्स्ट आपका है बादामी या बादाम वैरायटी जो है वो है MP की, दिस इज MP एंड इट इज फॉर हरियाणा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी की बात करें तो जो महरून वैरायटी होती है ये महाराष्ट्र में ज़्यादा ग्रो होती है। बादामी मानुकी वैरायटी भी महाराष्ट्र की है। गुली वैरायटी भी महाराष्ट्र की है जो बेर की ही है। पिवांडी वैरायटी जो है वो यूपी में कल्टीवेट होती है। पिवांडी इज ऑल्सो वैरायटी ऑफ बेर। जोगिया वैरायटी भी आपकी यूपी में ही कल्टीवेट होती है। अलीगंज भी इसी में होती है।
तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटी जो में भी एक वैरायटी होती है जेड G2, इसकी कई सारी सीरीज होती हैं G3, 2, 3, 4, तो जेड जी भी ये भी बेर की वैरायटी होती है जिजिफस। एक वैरायटी है आपकी दंदन, दंदन जो वैरायटी है दन दन ये भी बेर की वैरायटी है, ये पंजाब में ग्रो होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेर से रिलेटेड, आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपको हेल्प करें एग्जाम में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।